बिहार में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन अपनी फाइनल तस्वीर में आ गया है, लेकिन एनडीए का क्या? महागठबंधन में सीटें तो बढ़ गई, लेकिन इसका मतलब यह है कि एनडीए से निकलने की ताक में लगी पासवान की पार्टी एलजेपी नहीं आएगी महागठबंधन में। पासवान की राजनीतिक विरासत और पार्टी संभाल रहे चिराग पासवान बीजेपी पर सख्त हो रहे हैं और राहुल गांधी पर नर्म। एनडीए में आग पासवान के चिराग से ही लगी है। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा और चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके ट्वीट ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और ऐसा लगता है वो भी नाराज हैं। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, आपने जो ट्वीट किया बहुत शिकायती लहजे में ट्वीट था, आपकी शिकायत क्या है बीजेपी से, सरकार से क्या शिकायत है आपकी? ना नाराजगी ना शिकायतें, चिंताएं। मैं कंसर्न हूं अपने कुछ इश्यूज को लेकर जो कि मुझे लगता है कि उनको एड्रेस किया जाना जरूरी है। निरंतर मैंने एक लंबे समय से मैंने युवाओं का मुद्दा विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न फोरम पे, मैंने अपने अलाय पार्टनर्स के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भले वो एनडीए की बैठक हो, भले वो सर्वदलीय बैठक हो, टिल वेरी रीसेंट टाइम, अभी भी जब पार्लियामेंट खुलने से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें भी मैंने किसानों से जुड़े हुए विषय को, युवाओं से जुड़े हुए विषय को मैंने सरकार के समक्ष रखा था और मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि सरकार स्वतः इनके ऊपर एक बहस पार्लियामेंट में कराए और पार्लियामेंट के माध्यम से आप जनता को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दल आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो वादे आपसे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। युवाओं के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और 2014 में अगर सबसे ज्यादा साथ हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, 2014 में युवाओं का ही मिला था। मैं भी उन युवाओं में से एक था जो इनके सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मैं जुड़ा था। पर आज की तारीख में जब इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता है और उसके बाद जब आप चुनाव में उतरते हो, मैं देखता हूं कि विभिन्न और मुद्दे हावी हो जाते हैं, जबकि आपका सही एजेंडा यही होना चाहिए आज की तारीख में। जो युवा है, जो कहीं ना कहीं अब भ्रमित हो रहा है अपने भविष्य को लेकर, आज की तारीख में जो किसान है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे, आपको उनके इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। आपने नहीं उनको एड्रेस किया, इसका कारण है जिस तरीके से परिणाम विभिन्न राज्यों में। और मेरी चिंता यहीं से शुरू होती है, एज एन ऑनेस्ट अलाय पार्टनर मैं नहीं चाहता कि 2019 में इस तरीके के परिणाम हम लोग को देखने को मिले। इसीलिए मैं निरंतर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि सही इश्यूज को आप एड्रेस करें, भले वो युवाओं का विषय हो, भले वो किसानों का हो या वो वंचित वर्ग का। क्या ये विषय आपको लगता है कि जो तीन राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसके बाद आपको ज्यादा चिंता हो रही है कि ये, और क्या इन विषयों के चलते ही हार मिली है हमें? क्या बिल्कुल इन परिणामों के बाद हम लोग की चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि जो मैं इतने समय से मैं एहसास दिलाने की, जो मैं आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कि इन इश्यूज को आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि वो इन चुनाव में ये इश्यूज एड्रेस नहीं हुए। वहीं ऑपोजिशन ने निरंतर इसको अपना काम नहीं किया। सियासी मौसम पढ़ने के माहिर माने जाते हैं रामविलास पासवान और उनके चिराग बहुत ही नाजुक मौके पर बीजेपी को दिखा रहे हैं आंख। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।